हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसमान। अभी हम डिस्कशन करेंगे नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम के बारे में। सो अभी रिसेंटली न्यूज में है, सो साइंटिस्ट मैंने प्रपोज किया कि ये जो दो डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो कि इसका लेंथ रहेगा 637 किलोमीटर, जो कि फर्स्ट जो डैम रहेगा वो नॉर्दर्न स्कॉटलैंड से लेकर नॉर्दर्न नॉर्वे तक, देन सेकेंड वन जो है फ्रांस से लेकर साउथ वेस्टर्न ऑफ द इंग्लैंड। ओके, सो मोर एवर देखेंगे ये बनाने का फायदा क्या रहेगा। एक तो हो गया 25 मिलियन पीपल जो है उनको प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी जो करेंट में क्लाइमेट चेंज के हिसाब से क्या हो रहा है ना, सी का जो वाटर है वो राइज हो रहा है। सो देट क्या है, ये जो 25 मिलियन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं। सो साइंटिस्ट जो है प्रपोज किया है दो कंस्ट्रक्शन का डैम का, जो है ये फर्स्ट रहता रहेगा नॉर्दर्न स्कॉटलैंड से लेकर वेस्टर्न नॉर्वे, जो कि उसका लेंथ रहेगा 476 किलोमीटर, एंड सेकंड वन जो है फ्रांस से लेकर साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड तक, जो कि लेंथ रहेगा 161 किलोमीटर। ओके, ये है जो प्रपोज है। सो इसके बारे में हम देखेंगे। सो ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ओके, ये हो गया स्कॉटलैंड और ये हो गया नॉर्वे। ओके, सो इसका जो प्रपोज है डैम का ये ऐसे रहेगा। सो ये जो है ये पहला वाला है। सो इसका जो लेंथ रहेगा और ये हो गया 476 किलोमीटर, एंड सेकंड वन जो है दिस वन इज द, ये जो फ्रांस है फ्रांस का पार्ट है। ओके, देन दिस वन इज द लंदन का जो है पार्ट है। ओके, सो इसका जो डिस्टेंस है ये 161 किलोमीटर है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट है जो कि सेपरेट करता है ये जो है नॉर्थ एंड बाल्टिक सी से, सो ये अटलांटिक ओशन से ही ये सेपरेटिंग करता है, जो कि क्या हो जाएगा ना, ये दोनों डैम बनाने के बाद वो जो सी लेवल राइज है ये कम हो जाएगा। ओके, सो इस तरह दूसरा जो है इनिशिएटिव ले सकते हैं पर्शियन गल्फ में, मेडिटेरेनियन सी में, बाल्टिक सी में, इरिश सी में, रेड सी में। सो कंट्रीज बॉर्डरिंग नॉर्थ सी के बारे में हम देखेंगे तो कौन सा कंट्री टच करता है। एक तो हो गया नॉर्वे हो गया, देन डेनमार्क हो गया, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, रशियन आइलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया। सो दिस वन द पिक्चर ऑफ द नॉर्थ सी, और कौन सा जो कंट्री है उसको टच करते हैं यहाँ पे है पूरा मेंशन है। दैट्स ऑल, थैंक यू।